एक ऐसे ऋषि जिन्होंने खुद यमराज तक को श्राप दे डाला। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, श्राप जो यमराज को मिला, क्या था वो और किसने दिया, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नेहा राजपूत। हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से जो महाभारत से, हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों से जुड़े हुए हैं और जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म की यही खासियत है, हर एक कथा ना आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको एक मदद करती है, आपको कुछ अच्छी सीख देकर जाती है। तो अगर ये कहानियाँ, किस्से, साथ ही साथ ज्योतिष से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको चाहिए तो हमारे चैनल धर्मा लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हर दिन जब मैं ये कहानी और किस्से आपके लिए लेकर आऊँ तो आपके साथ आसानी से जुड़ पाऊँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे श्राप की जो खुद यमराज को मिला था। महाभारत में आपको उस श्राप का वर्णन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको महाभारत में वर्णन मिलेगा ऋषि मांडव्य का। जी हाँ, ऋषि मांडव्य को एक बार राजा ने भूलवश सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। सैनिकों ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन बहुत लंबे समय तक सूली पर चढ़े रहने के बावजूद भी जब ऋषि मांडव्य के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सैनिकों से कहा कि ऋषि को जो है सूली से उतार दिया जाए। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि यमराज के पास पहुँचे। उन्होंने यमराज से पूछा कि आखिर किस गलती की वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिली। तो यमराज ने कहा कि जब आप 12 साल के थे तो आपने कीड़े की पूँछ में सीख चुभाई थी, आपको इसी की सज़ा मिली है। तो ऋषि मांडव्य बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने यमराज से कहा कि एक 12 साल के बच्चे को क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी क्या जानकारी होती है कि आपने मुझे गलत चीज़ के लिए सजा दी और वो भी इतनी कठोर सजा दी। तो मैं आज आपको ये श्राप देता हूँ कि आप शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र में जन्म लेंगे। तो यही था वो श्राप और अपने अगले जन्म में यमराज विदुर के रूप में जन्म लिए। तो ये श्राप ऋषि मांडव्य ने यमराज को दिया था कि तुम एक शूद्र योनि में दासी पुत्र में जन्म लोगे। तो कैसी लगी आपको ये कथा, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और इस कथा से आपको क्या सीख मिली मुझे ये भी बताइएगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में। और हर दिन ऐसी किसी कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए धर्मा लाइफ पर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोज एंजॉय कीजिए। नमस्कार।